माता रानी हमारी छत्तीसगढ़ महतारी बनी हुई हैं, क्योंकि उनके कलर से लग रहा है अलग से, और हमारा बैला गाड़ी जो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया में वो बना हुआ है, तो काफी ज्यादा सुंदर और यूनिक लग रही है हमारी। माना की श्रुति मूर्ति कला केंद्र में आई हूँ। आज मैं यहाँ की प्यारी प्यारी दुर्गा मूर्ति दिखाने के लिए, और मैं श्रुति मूर्ति कला केंद्र जो है वहाँ पहली बार आई हूँ, और जैसे कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि जो है स्टार्ट होने वाली है, और हमारी सुंदर सुंदर माता रानियाँ जो है वो तैयार लगभग हो चुकी है, 90% बोल सकते हैं आप लोग तैयार हो चुकी है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लेना, कि चलो जल्दी से वीडियो कभी शुरू कर दें। देख सकते हो ये है श्रुति मूर्ति कला केंद्र, और नंबर भी आप लोग नोट कर सकते हो, और यहाँ पर जो है जोरों शोरों से जो है काम शुरू, और वाइट कलर का जो है ये दुर्गा माता की वो वाली मूर्ति जो है दुर्गा माता की वो है 14 फीट की, आप लोग देख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा सुंदर आवाज आप लोगों को आएगी नहीं। ये वाली माता रानी को देख सकते हैं आप लोग, अभी इसमें स्प्रे पेंट किया जा रहा है, जो स्किन कलर का होता है उसमें स्प्रे पेंट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी बहुत सारी इस लाइन की जो मूर्तियाँ वो कलर नहीं हुई है अभी, इसलिए आप लोगों को वाइट वाइट ही दिखेंगी। मैं अभी आप लोगों को कलरफुल वाली मूर्तियाँ दिखाती हूँ, तो कलरफुल वाली मूर्तियाँ देखते हैं अभी हम। और यहाँ पर काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ वो कलरफुल कलरफुल है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और यहाँ की सबसे यूनिक और सबसे चौड़ी मूर्ति आप लोग बोल सकते हो, ये मेरे वाइड एंगल में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है, ये है बैल गाड़ी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बैला गाड़ी बोला जाता है। बैला गाड़ी में हमारी माता रानी और हमारे शिव जी जो हैं वो चला रहे हैं, और उनकी सवारी भी उनके साथ बैठी हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक मूर्ति है यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये मूर्ति, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मूर्ति है। हमारे शिव जी हैं, हमारी दुर्गा माता रानियाँ, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर माता रानी आप लोगों को मिलेंगी। उनका साड़ी का कलर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और लाइट के कारण उनकी साड़ी का शाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जो है भैया लोग जो हैं वो हमारी दुर्गा माता रानी है, और हमारे गणपति जी है, और शेर का जो है आँख का काम कर रहे हैं। तो शुरुआत मैं करती हूँ यहाँ से, ये वाली सुंदर सी माता रानी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ये जो शेर है, इनकी जो सवारी है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा काम जो है इनका बचा हुआ है, तो ये पूरा काम होने के बाद ना और ज़्यादा सुंदर लगेगा। साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो इतना ज़्यादा सुंदर है, दो कलर में डिवाइड किया गया है, शेर है, शेर पे सवार हमारी माता रानी है, और ये वाली माता रानी को देख सकते हैं आप लोग, बिंदी यार, मतलब बिंदी बिंदी की जो चमक है ना, और दोनों तरफ जो है उनकी सवारी बैठी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी लग रही है हमारी माता रानी। ये देख सकते हैं हमारी माता रानी, अभी यहाँ पर इनके साड़ियों का पेंट नहीं हुआ है, और ये वाली माता रानी देख सकते हो इनके पूरे और जो है ना क्या बोलेंगे कलश रखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी उनके नीचे में और काम चल ही रहा है, तो मैं पहले आप लोगों को इस लाइन की माता रानियों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी बहुत सुंदर सी माता रानी है हमारी, पिंक और पर्पल कलर की साड़ी इनको पहनाया गया है, पेंट किया गया है, और ये है यहाँ पर क्यूट सा डॉगी।
ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है हमारी माता रानी। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और वहाँ पर जो माता रानी है वो अरे जो माता रानी है उनका पूरा नौ रूप जो है बनाया गया और उनके पीछे में ना शेषनाग रखा गया, ये देख सकते हो। अभी काम चल ही रहा है उसमें, जो कमल का फूल जिसके ऊपर विराजमान है माता रानी उनको क्लियर किया जा रहा है अभी। और ये वाली जो माता रानी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। इनकी 25 मुंडियाँ बनाई गई है, मैं अभी काउंट कर रही थी सीरियसली, और इनकी 25 मुंडियाँ बनाई गई है, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और सुंदर लग रही है ये वाली मूर्ति। देखिए ये मूर्ति का हाइट क्या होगा, 16। तो ये वाली जो मूर्ति है ना इनका हाइट है 16। और दुर्गा माता रानियों का काम बन चल ही रहा है। वो शेर जो है उसका जो बाल होता है वो चिपकाया जा रहा है, और इनका जो गोंद है वो अलग है। काफ़ी सारे लोग जो हैं ग्लूगन का इस्तेमाल करते हैं, पर ये गोंद थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। ये घर पे बनाया हुआ गोंद है, वो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से चिपकाया जा रहा है। ये माता रानी के बगल में है शिवलिंग, और इस तरफ है हमारे बब्बर शेर। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी छोटी मूर्तियाँ, उस साइड में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ। ये है सारे कलर्स जो यूज़ किया जाता है माता रानी के ऊपर, और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और सुंदर लग रहा है। ऑरेंज और ग्रीन कलर का बॉर्डर भी लगा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है माता रानी। जब इनके बाल लगेंगे ना तो वो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। लोगों को उस टाइम ये वाली माता रानी दिखा रही थी, ये वाली माता रानी हमारी छत्तीसगढ़ महतारी बनी हुई हैं, क्योंकि उनके कलर से लग रहा है अलग से, और हमारा बैला गाड़ी जो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया में वो बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यूनिक लग रही है हमारी माता रानी। भैया ये वाली मूर्ति कहाँ जाएगी पता है क्या आपको, ये वाली मूर्ति? अच्छा,